बच्चों बीबीएम एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग क्लास सिक्स बनाकर देखो 21 का समाधान करेंगे। देखिए जैसे कि एक नंबर, नीचे किस किस क्षेत्र में अनुपात तैयार करना संभव है। देखिए किस किन क्षेत्रों में अनुपात है ना तैयार करना संभव है, तो ये करना है आप लोग को। ए नंबर देखिए, मेरी मित्र जयिता का वजन और उसकी लंबाई। देखिए इसमें क्या है कि दो चीज है, तो इसमें अनुपात में करना नहीं संभव है। कैसे नहीं संभव है, देखिए कि एक और तो लंबाई दिया हुआ, जबकि लंबाई देखिए दूरी नापते ऐसे करके नापते हैं, लंबाई मापते हैं ये लंबाई, और एक तरफ क्या है वजन दिया हुआ, पहले वजन दिया। वजन और लंबाई को कभी भी अनुपात में नहीं बांट सकते। लंबाई को मापने के लिए मीटर दोनों तरफ क्या होना चाहिए, मीटर मीटर होना चाहिए। या जैसे कि यहाँ पे देखो, वजन को मापने के लिए केजी में होना चाहिए, केजी फिर केजी में होना चाहिए, ये रहेगा तभी माप सकते हैं, नहीं तो नहीं मापेंगे। इसीलिए लिख देंगे ऐसे लिखेंगे ए नंबर मेरी मित्र जयिता का वजन और उसके लंबाई का अनुपात तैयार करना संभव नहीं है। देखिए अब क्यों नहीं संभव है, दोनों का अलग अलग है, इकाई क्या है संभव नहीं है, ठीक है। देखिए इस महीने में मैं कितने दिन स्कूल गया और मेरा मित्र जाहिर कितना दिन स्कूल गया। देखिए इसमें दोनों स्कूल दिन है दोनों का क्या क्या है, इकाई एक ही है, तो इसमें मापना संभव है, तो इसमें लिख दीजिएगा संभव है। अनुपात तैयार करना संभव है क्योंकि दोनों के दिनों की संख्या का परिमाण का बात किया गया है। ये हो गया। देखिए दूसरा में देखिए यहां पे दिया हुआ है 80 नंबर, मेरे पास कितने रुपए थे और कितने खर्च किए। देखिए दोनों तरफ खर्च किए, तो रुपए का है बात, इसमें भी अनुपात तैयार करना संभव है। अनुपात तैयार करना संभव है भाव है क्योंकि क्योंकि रुपए ये का बात किया गया है। अब जी नंबर देखिए, मेरे बोतल में कितना लीटर पानी है और कितना लीटर का कितना उस तापमान का तापमान मात्रा है। देखिए ये भी मापना संभव नहीं क्योंकि एक तरफ तो क्या दिया हुआ है डी नंबर में, देखिए तापमान है, एक तरफ तो क्या दिया हुआ है
लीटर है और तापमान, हाँ इसमें भी मापना संभव है क्योंकि तापमान तो दोनों का परिमाण दिया हुआ है। अनुपात तैयार करना संभव है। संभव है देखिए, आज मैं पूरे दिन कितने समय खेला और मेरा भाई कितना समय खेला, इसमें भी क्या है खेला खेला है समय समय है समय समय है तो समय देखिए समय और समय समय और समय है तो अनुपात तैयार करना संभव है। तैयार करना संभव है संभव है, इतना कर दीजिएगा तो हो जाएगा। अब देखिए दिया हुआ है, नीचे दिए गए राशि को अनुपात में परिवर्तित कीजिए और बताइए कि लघु अनुपात है या गुरु अनुपात है। देखिए इसमें पहले मैं बता दिया था लघु अनुपात मतलब क्या होता है, लघु लघु अनुपात ऊपर में बड़ा नीचे छोटा, और गुरु अनुपात में अनुपात सॉरी इसमें ऊपर में छोटा होगा, इसमें ऊपर में छोटा छोटा और नीचे बड़ा, और इसमें ऊपर में छोटा गुरु अनुपात में बड़ा छोटा, ये इतना सा याद रखिएगा तो हो जाएगा। पर इसका पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था मैंने। अब देखिए यहाँ पे है 10 किलोग्राम और 10 किलोग्राम 10 किलोग्राम 10 किलोग्राम कौन सा अनुपात है। देखिए तो जैसे कि अगर हम लोग ये बात करें तो इसको ऐसे लिख सकते, देखिए देखिए ऐसे करके ऐसे 10 और 15 इसको 10/15 पांच से काट दीजिए, 5 10 5 3 15 अनुपात जो होगा 2:3 ये हो गया। अब देखिए दो नंबर 27:18 मतलब 27/18 3 × 9 = 3 × 9 = 27 6 × 18 फिर 3 × 12 = 3 और ये 2 हो जाएगा 3:2। अब देखिए कितना है 3 नंबर 30 रुपए और ये है 22 रुपए 50 पैसे है ना, इसको ऐसे निकालेंगे देखिए 30/22.50 ये देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा दशमलव के बाद कितना संख्या है 1 2 तो हटा के यहाँ पे 2 1 2 अब देखिए ये जीरो काट दिए, अब 5 का प्लस है 6 56 30 0 और 5 का प्लस है 5 4 20 25 25 फिर 5 का प्लस है देखिए 9 5 45 5 का प्लस है 12 12 5 60 तो अब नहीं कटेगा, हाँ कटेगा देखिए 3 का प्लस है 3 4 12 3 3 9 मतलब 4:3 ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए चार नंबर 4 ठीक है जैसे इसको लिख सकते हैं 2 दशमलव हटा दिए क्योंकि 2 एक एक संख्या के बाद दशमलव है, देखिए एक संख्या। अब देखिए कितना का परस कटेगा 7 का परस 49 7 49 12 7 84 ये हो गया
7:12। देखिए पांच नंबर देखिए 52:78। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 52, और देखिए इसमें लिखना भी था, तो पहला ये क्या हो गया, लघु लघु, और ये गुरु, और ये गुरु, और ये लघु। अब देखिए यहां पे तेरे का पड़ा से कटेगा, तेरे चौका 52, तेरे छा के 78, दो का पड़ा से 2, और ये 3। यहां देखिए ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा, तो क्या हो गया, लघु अनुपात, 3 लघु अनुपात। ये हो गया। अब ये करेंगे, अब इसमें देखिए घंटा मिनट, घंटा मिनट, तो इसको पहले बदलना पड़ेगा। देखिए यहां पे जैसे कि पहला है एक घंटा 24 मिनट, तो एक घंटा में कितना होता है 60 मिनट, 60 + 24 कितना हो जाएगा 4, और ये 8, 84 मिनट हो गया। मिनट में बदल दी, छोटा ही टाइम बदल देते हैं। अब देखिए यहां पे दूसरा क्या है, 6 घंटा + 18 मिनट, इसको जोड़ देंगे, देखिए तो ये गुना कर दीजिए, 6 × 60 + 18 = 36 + 18, तो 8 + 7 = 3 मिनट, 84:378 बराबर 84/378। अब देखिए इसको काटते चलिए, पहले 2 का पड़ा से देखिए 4 × 2, और ये 3 × 2 = 17, तो 8 × 2 = 16, 9 × 2 = 18। अब कितना का पड़ा से, अब फिर 3 का पारा से 14, और ये 3 का पारा से 3 का पारा से हो गया आपका 6 × 3 = 18, 3 × 3 = 9। अब देखिए कितना का पारा से कटेगा, तीन का पारा से, अब फिर ये 3 का पारा से कटेगा नहीं। अब देखिए ये 7 का पारा से, 7 × 14 = 63, तो ये हो गया कितना, 2:9। अब देखिए नीचे दी गई राशि, ये तो ये हो गया। देखिए अब 3 नंबर का हल करेंगे, 2 मीटर लंबा बांस की लंबाई 75 सेंटीमीटर लाल रंग दिया है, और बांस के बचे हुए लंबाई में सफेद रंग दिया हुआ है, तो ठीक है ये सवाल है, ये आप लोग का सवाल दिया हुआ है। अब जैसे कि देखिए इसमें एक नंबर किया है, एक नंबर पूछा है बांस की कुल लंबाई और बांस के लाल रंग किए हुए लंबाई का अनुपात कर लिए। देखिए बांस का कुल लंबाई और बांस में लाल रंग किए हुए, देखिए बांस में लाल रंग कितना किया हुआ भाई। अब देखिए बांस में लाल रंग कुल लंबाई, देखिए यहाँ पे 2 मीटर बांस का है, बांस की लंबाई है जिसमें 75 सेंटीमीटर लाल रंग किया हुआ, 75 सेंटीमीटर लाल रंग किया हुआ है, और हम लोग का जो है इसको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए सेंटीमीटर और मीटर में दिया हुआ है, ये कितना से करेंगे, इसको पहले 100 से भागा दे देंगे, इसको 100 से भागा देंगे, तब ये भी क्या हो जाएगा, मीटर में बदल जाएगा, 100 से भागा दे देंगे, तो इसको करेंगे हम लोग। देखिए सर्वप्रथम क्या कीजिएगा, बांस का कुल लंबाई
लाल रंग की लंबाई और लंबाई को क्या कर दीजिए मीटर में बदल दीजिए। उसके बाद सफेद रंग निकाल देंगे, 2 मीटर में 0.75 मीटर घटा दिए। तो अब देखिए कुल लंबाई और लाल रंग की लंबाई तो दोनों काट देंगे। देखिए 0.5 है तो 0 दे दिए, 5 का बड़ा सब 15 बार में और 5 × 20 = 0, फिर 5 का प्लस 5 × 3 = 15 और 5 × 8 = 40, तो ये कितना हो जाएगा 8:3। अब देखिए दूसरे नंबर में सवाल में क्या बोला है, यही देखिए दूसरा नंबर ये हुआ, यहाँ दूसरा नंबर देखिए बोला है बांस की कुल लंबाई और बांस के सफेद रंग की वे लंबाई का अनुपात। देखिए कुल लंबाई और सफेद रंग, ये देखिए सफेद रंग निकल गया और कुल लंबाई तो दिया हुआ ही। फिर निकालेंगे दो नंबर कुल लंबाई अनुपात सफेद रंग, सफेद रंग कुल लंबाई कितना है भाई 2 और सफेद रंग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/2 हटा देंगे तो 0 0 और 5 से काट दीजिए 5 × 20 5 × 5 = 10 25 5 से फिर 8 25 तो ये हो जाएगा 8:5। अब तीसरा नंबर देखिए लाल रंग किए हुए लंबाई और सफेद रंग किए हुए लंबाई का अनुपात, लाल रंग सफेद रंग, लाल रंग अनुपात सफेद रंग, सफेद लाल रंग ये है 0 और सफेद रंग 5 × 10 = 25 5 × 5 = 25 कंप्लीट। मेरे घर की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना इतना, तो मेरे घर की परिसीमा उस अनुपात में क्या क्या हो सकता है। परिसीमा देखिए तो जब भी देखिए ऐसे लिख दीजिएगा, ये 4 नंबर घर की लंबाई, घर की चौड़ाई इसे लंबाई कितना दिया हुआ 7 और 5, ये देखिए 7 और 5 लिख दीजिए। अब इसको क्या कीजिए, जब भी गुना करें 7 × 14 = 5 × 10 7 × 21 5 × 3 = 15 7 × 28 और ये 5 × 20 ये कर दीजिए। अब परिधि देख लीजिए, अगर ये शर्त में होगा तो परिसीमा, परिसीमा क्या क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा है ना, तो 7 + 5 = 12 अगर 14 + ये हुआ 10 हुआ तो क्या होगा 24 अगर 21 + 25 = 15 हुआ 6 × 3 = 36 फिर अगर जहां 28 + 20 हुआ तो 8 = 48 मीटर। इस प्रकार आप लोग लिख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्या लिखा हुआ है, मेरे पास स्टाम्प है तो लिख देते पहले स्टाम्प, मेरे पास स्टाम्प इतना 26 है। मैं और मीता 8 और 5 अनुपात में स्टाम्प को बांट लेंगे, मैं और कौन मीता, मीता अनुपात, मैं और मीता अनुपात में स्टाम्प, स्टाम्प
देखिए कितना अनुपात में, 8:5, 8:5 से इसको योगफल कर दीजिए, अनुपातिक अनुपातिक योग। देखिए 8+5, 8+5, 13, तो ये हो जाएगा 13। अब देखिए पहले मैं का स्टाम्प, देखिए 8/13 × 26, 13 × 26, 8 × 16 हो जाएगा स्टाम्प। और मीता के पास स्टाम्प 5/13 × 26, 10, इतना ही बंटवारा करेगा। अब देखिए ऐसे करके बांट लेगा। अब देखिए ये लिख दीजिएगा, उसके बाद देखिए 6 नंबर, मेरे पढ़ने वाले पुस्तक और कहानी पुस्तक का अनुपात 4:3 है। पढ़ने वाला पुस्तक 28 होने पर कहानी की पुस्तक कितना है, हिसाब करें और मूल पुस्तक कितना है। तो सबसे पहले देखिए, जब भी ऐसा सवाल रहे आप लोग क्या कीजिए कि जो निकालना है वो मान लीजिए। जैसे कि हम लोग का क्या निकालना है भाई, ये निकालना है, क्या निकालना है, होने पढ़ने वाले पुस्तक कहानी की पुस्तक की संख्या। तो लिख देंगे 6 नंबर, ये देखिए माना कहानी, माना कहानी की पुस्तक एक्स। अब देखिए एक्स है, अब यहां पे देखिए क्या है, यहां पे देखिए क्या पढ़ने वाला पुस्तक कितना है, 28। अनुपात देखिए पढ़ने वाला और कहानी की पुस्तक कितना है, देख लीजिए 4:3। जब भी ऐसा रहे तो देखिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले क्या पढ़ने वाला पुस्तक दिया हुआ 28, यहां लिख दीजिए प्रश्न अनुसार, देखिए दिया हुआ है पढ़ने वाला पुस्तक 4, कहानी का पुस्तक 3 है, बराबर कर दीजिए, पढ़ने वाला पुस्तक 28 है और ये कितना है, कहानी का पुस्तक एक्स, गुना कर दीजिए इसको इससे, गुना कीजिए तो 4x, और इसको इससे कर दीजिए 28 × 3। अब देखिए एक्स बराबर 28 × 3/4, 7 × 28, 21, 21 पुस्तक हो गया, ठीक है 21 पुस्तक। तो अब बोला है कि कुल पुस्तक कितना है ना, कुल पुस्तक तो निकाल देंगे, कुल पुस्तक तक 21 + 28 9, 4 हो गया। अब देखिए 7 नंबर, एक प्रकार के गहने में सोने और चांदी का इतना मिलाया गया। तो पहले देखिए ऐसे हम लोग लिखते चलेंगे, गहने में सोना और चांदी का अनुपात 4:7 हो गया। इस प्रकार गहने के में इतना चांदी
के साथ कितना सोना मिलाया गया, मतलब इतना गहने 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 में कुल गहना कितना इतना है, ठीक है। इस प्रकार के गहने में 257 मिलीग्राम चांदी के साथ कितना ग्राम सोना मिलाया गया, कितना ग्राम सोना मिलाया गया, मतलब कि इसमें हम लोग को सोना का वजन पता नहीं है, तो लिख देंगे माना माना सोना एक्स मिलाया गया गया। प्रश्न अनुसार अब देखिए, पहले पहले क्या दिया हुआ है, सोना, तो पहले सोना, फिर चांदी, चांदी का वजन दिया हुआ है 357 अनुपात, पर देखिए सोना दिया हुआ है तो ऊपर सोना 4 × 7, अब देखिए गुना कर दीजिए 4x × 4 7 × 5 = 20 हो गया ग्राम, ये हो गया। अब देखिए 8 नंबर, देखिए यहां पे दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में देखिए तीनों कोण का मान होता है बराबर होता है, तो समबाहु बाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात देखिए 60 अनुपात 60 अनुपात 60, देखिए 0 0 0 6 6 6 1 अनुपात 1 अनुपात 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या है, समकोणी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात, देखिए समकोणी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात बोला है, तो समकोणी तो त्रिभुज में क्या होता है कि समकोणी समकोणी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात, नंबर देखिए पहले 90 डिग्री हो जाएगा इसमें 90 और उसके बाद 45 45, क्योंकि इसका जो कुल योग होता है वो 180 होता है, तो ये हो गया 45 45 45 दोनों 1 अनुपात 1 2 अनुपात 1, ये हो गया आंसर। अब देखिए 10 नंबर, 210 क्या है, यहाँ देखिए यह है संभाव समकोणी त्रिभुज का निकाल लीजिए, समकोण ये भी हो गया 210 रुपए में फतिमा और शकील ने 3:4 के अनुपात में बांटने की कोशिश की थी, या किसको कितना रुपए मिलेगा, देखिए कुल फतिमा 3:1 में बांटने का कोशिश किया तो रुपए कुल रुपए देखिए 10 नंबर कुल पहिए 210 रुपए, कौन कौन है यहां देखिए फतिमा शकील मां आइए और शकील के रुपये का अनुपात बराबर कितना है, देखिए 3:4 तो अनुपातिक योगफल अनुपातिक योग 3 + 4 बराबर 7 हो गया। अब देखिए फतिमा का भाग,
फतेमा का भाग। देखिए 3/7 गुने 27 21 30 90 रुपया। और शकील, देखिए शकील का भाग 4/7 × 4 = 1200 रुपये। इतना लिखने से हो जाएगा। देखिए इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर, देखिए इसमें क्या है कि मोहित एक दुकान से 18 केले 6 रुपए में खरीद लेता है, लेकिन राजू दूसरी दुकान से 72 केला में 2 दर्जन केले खरीदता है, तो यह अनुपात निकालिए कि कौन केले कितने में रुपए में अधिक में खरीदता। तो डायरी देखिए निकाल देंगे, मोहित ने 6 केले 18 रुपए में खरीदा, मतलब एक केले का दाम कितना हो जाएगा 18/6 × 6 = 18 3 रुपया कितना हो गया 3 रुपया, एक केले का दाम 3 रुपया। तो अब देखिए अब उसी प्रकार क्या किया है राजू ने 24 केले 72 2 दर्जन मतलब 24 केले केले 72 रुपया में खरीदा, तो एक केले 72/24 तीन, मतलब दोनों 3 रुपया में एक केला खरीदा है, तो क्या हो जाएगा कीमत 8 रुपए का, है ना। कीमत केले कीमत 3:3 केले 1:1 आंसर हो गया, खत्म। इस प्रकार देखिए हम लोग ये पार्ट वन में बना दिया, पार्ट टू में अब देखिए पार्ट टू में 12 से लेके 16 तक हल करेंगे, 12 से लेकर 16 तक का समाधान करेंगे। इस हिस्से में 11 तक ही रहने देते हैं।